नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत चतुर्थः स्कंधः अथैकत्रिंशोऽध्यायः 31वां अध्याय। प्रचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, 10 लाख वर्ष बीत जाने पर जब प्रचेताओं को विवेक हुआ तब उन्हें भगवान के वाक्यों की याद आई और वे अपनी भार्या मारिशा को पुत्र के पास छोड़कर तुरंत घर से निकल पड़े। वे पश्चिम दिशा में समुद्र के तट पर, जहाँ जाजरी मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थी, जा पहुँचे और जिससे समस्त भूतों में एक ही आत्म तत्व विराजमान है ऐसा ज्ञान होता है, उस आत्म विचार रूप ब्रह्म सत्र का संकल्प करके बैठ गए। उन्होंने प्राण, मन, वाणी और दृष्टि को वश में किया तथा शरीर को निश्चेष्ट, स्थिर और सीधा रखते हुए आसन को जीत कर चित्त को विशुद्ध पर ब्रह्म में लीन कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्हें देवता और असुर दोनों के ही वंदनीय श्री नारद जी ने देखा। नारद जी को आया देख प्रजापति गण खड़े हो गए और प्रणाम करके आदर सत्कार पूर्वक देश काल अनुसार उनकी विधिवत पूजा की। जब नारद जी सुख पूर्वक बैठ गए तब वे कहने लगे, प्रचेताओं ने कहा, देवर्षे, आपका स्वागत है। आज बड़े भाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है। ब्रह्मन, सूर्य के समान आपका घूमना फिरना भी ज्ञानालोक से समस्त जीवों को अभयदान देने के लिए ही होता है। प्रभो, भगवान शंकर और श्री विष्णु भगवान ने हमें जो उपदेश दिया था उसे गृहस्थी में आसक्त रहने के कारण हम लोग प्राय भूल गए हैं। अतः आप हमारे हृदयों में उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कराने वाले अध्यात्म ज्ञान को फिर प्रकाशित कर दीजिए, जिससे हम सुगमता से ही इस दुस्तर संसार सागर से पार हो जाएं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवानमय श्री नारद जी का चित्त सर्वदा भगवान श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। वे प्रचेताओं के इस प्रकार पूछने पर उनसे कहने लगे। श्री नारद जी ने कहा, राजाओं, इस लोक में मनुष्य का वही जन्म, वही कर्म, वही आयु, वही मन और वही वाणी सफल है जिसके द्वारा सर्वात्मा सर्वेश्वर श्री हरि का सेवन किया जाता है, जिनके द्वारा अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले श्री हरि को प्राप्त न किया जाए, उन माता पिता की पवित्रता से, यज्ञोपवीत संस्कार से एवं यज्ञ दीक्षा से प्राप्त होने वाले उन तीन प्रकार के श्रेष्ठ जन्मों से, वेदोक्त कर्मों से, देवताओं के समान दीर्घ आयु से, शास्त्र ज्ञान से, तप से, वाणी की चतुराई से, अनेक प्रकार की बातें याद रखने की शक्ति से, तीव्र बुद्धि से, बल से, इंद्रियों की पटुता से, योग से, सांख्य आत्म अनात्म विवेक से, सन्यास और वेद्याध्ययन से तथा व्रत वैराग्य आदि अन्य कल्याण साधनों से भी पुरुष का क्या लाभ है। वास्तव में समस्त कल्याणों की अवधि आत्मा ही है और आत्मज्ञान प्रदान करने वाले श्री हरि ही संपूर्ण प्राणियों की प्रिय आत्मा हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तना, शाखा, उपशाखा आदि सभी का पोषण हो जाता है और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से समस्त इंद्रियां पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की पूजा ही सबकी पूजा है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन कृत्यन्ति तत् स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहारा
च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हणमच्युते ज्या। जिस प्रकार वर्षा काल में जल सूर्य के ताप से उत्पन्न होता है और ग्रीष्म ऋतु में उसी की किरणों में पुनः प्रवेश कर जाता है, तथा जैसे समस्त चराचर भूत पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में मिल जाते हैं, उसी प्रकार चेतन अचेतन आत्मत्व यह समस्त प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में लीन हो जाता है। वस्तुतः यह विश्वात्मा श्री भगवान का वह शास्त्र प्रसिद्ध सर्वोपाधि रहित स्वरूप ही है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे भिन्न नहीं होती, उसी प्रकार कभी कभी गंधर्व नगर के समान स्फुरित होने वाला यह जगत भगवान से भिन्न नहीं है, तथा जैसे जागृत अवस्था में इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं, किंतु सुषुप्ति में उनकी शक्तियां लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह जगत स्वर्ग काल में भगवान से प्रकट हो जाता है और कल्पांत होने पर उन्हीं में लीन हो जाता है। स्वरूपतः तो भगवान में द्रव्य क्रिया और ज्ञान रूपी त्रिविध अहंकार के कार्यों की तथा उनके निमित्त से होने वाले भेद भ्रम की सत्ता है ही नहीं। विपतिगण जैसे बादल अंधकार और प्रकाश ये क्रमशः आकाश से प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं, किंतु आकाश इनसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार ये सत्व रज और तमोमयी शक्तियाँ कभी परब्रह्म से उत्पन्न होती हैं और कभी उसी में लीन हो जाती हैं। इसी प्रकार इनका प्रवाह चलता रहता है, किंतु इससे आकाश के समान असंग परमात्मा में कोई विकार नहीं होता। अतः तुम ब्रह्मादि समस्त लोकपालों के भी अधीश्वर श्री हरि को अपने से अभिन्न मानते हुए भजो, क्योंकि वे ही समस्त देहधारियों के एकमात्र आत्मा हैं। कारण काल उपादान कारण प्रधान और नियंता पुरुषोत्तम हैं, तथा अपनी काल शक्ति से वे ही इस गुणों के प्रवाह रूप प्रपंच का संहार कर देते हैं। वे भक्तवत्सल भगवान समस्त जीवों पर दया करने से, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने से, तथा समस्त इंद्रियों को विषयों से निवृत्त करके शांत करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः। तुष्यति आशु जनार्दनः। भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उत्रैषणा आदि सब प्रकार की वासनाओं के निकल जाने से जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, उन संतों के हृदय में उनके निरंतर बढ़ते हुए चिंतन से खींचकर अविनाशी शरीर श्री हरि आ जाते हैं और अपनी भक्त आधीनता को चरितार्थ करते हुए हृदय आकाश की भांति वहां से हटते नहीं। भगवान तो अपने को यानी भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्य आश्रया अहेतु की भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान धन कुल और कर्मों के मद से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधुजनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण हैं, उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाली लक्ष्मी जी तथा उनकी इच्छा रखने वाले नरपति और देवताओं की भी कोई परवाह नहीं है।
इतने पर भी वे अपने भक्तों के तो अधीन ही रहते हैं। अहो ऐसे करुणा सागर श्री हरि को कोई भी कृतज्ञ पुरुष थोड़ी देर के लिए भी कैसे छोड़ सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भगवान नारद ने प्रचेताओं को इस उपदेश के साथ साथ और भी बहुत सी भगवत संबंधी बातें सुनाई। इसके पश्चात वे ब्रह्म लोक को चले गए। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। प्रचेता गण भी उनके मुख से संपूर्ण जगत के पाप रूपी मल को दूर करने वाले भगवत चरित्र सुनकर भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन करने लगे और अंत में भगवत धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार आपने जो मुझसे श्री नारद जी और प्रचेताओं के भगवत कथा संबंधी संवाद के विषय में पूछा था वह मैंने आपको सुना दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहां तक स्वयंभुव मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन हुआ, अब प्रियव्रत के वंश का विवरण भी सुनो। राजा प्रियव्रत ने श्री नारद जी से आत्मज्ञान का उपदेश पाकर भी राज्य भोग किया था तथा अंत में इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांटकर वे भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए थे। राजन, इधर श्री मैत्रेय जी के मुख से यह भगवत गुणानुवाद युक्त पवित्र कथा सुनकर विदुर जी प्रेम मग्न हो गए। भक्ति भाव का उद्रेक होने से उनके नेत्रों से पवित्र आंसुओं की धारा बहने लगी तथा उन्होंने हृदय में भगवत चरणों का स्मरण करते हुए अपना मस्तक मुनिवर मैत्रेय जी के चरणों पर रख दिया। विदुर जी कहने लगे, महायोगिन, आप बड़े ही करुणामय हैं। आज आपने मुझे ज्ञान अंधकार के उस पार पहुंचा दिया है जहां अकिंचनों के सर्वस्व श्री हरि विराजते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, मैत्रेय जी को उपयुक्त कृतज्ञता सूचक वचन कहकर तथा प्रणाम कर विदुर जी ने उनसे आज्ञा ली और फिर शांत चित्त होकर अपने बंधुजनों से मिलने के लिए वे हस्तिनापुर चले गए। राजन, जो पुरुष भगवान के शरणागत परम भागवत राजाओं का यह पवित्र चरित्र सुनेगा उसे दीर्घ आयु, धन, सुयश, क्षेम, सदगति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। नारायण 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 नारायण। इति चतुर्थ स्कंदः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत्। नारायण 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 नारायण।